गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है संडे, बहुत दिन बाद मुझे टाइम मिला है और बहुत दिन बाद मैं संडे को भी थोड़ा सा रेस्ट लिया है मैंने। तो आज सुबह उठे 11-12 बजे और थोड़े कुछ जो काम थे वो सब कर किए और अभी कॉफ़ी लेके छत पे आए हैं और आनंद ले रहे हैं कॉफ़ी का। और वो देखिए, वो मेरा फ्लैट पार्टनर है, वो भी कॉफ़ी का आनंद ले रहा है। अभी हम लोग नहाए भी नहीं हैं, नहा वहा के फिर जाएंगे थोड़ा मार्केट वार्केट। और मैंने सोचा कि वीडियो बना लेते हैं, बहुत दिन से वीडियो नहीं बनाए। खैर, मम्मी लोग का तो वीडियो आया था, आप लोगों ने देखा ही होगा। अभी नीचे चलेंगे, रूम भी पूरा बिखरा पड़ा है, उसको भी साफ वाफ करना है, फिर कुछ बनाए बनाएंगे, फिर थोड़ा रेस्ट करके फिर बाहर जाएंगे, थोड़ा सामान वामान लाना है, ग्रॉसरी का भी और भी काम है। चलिए फिर, कपड़ा उपड़ा सब हमने धो लिया है और थोड़ा सा कटिंग वटिंग करा के भी आ गए हैं, थोड़ा स्क्रब वगैरह। और ये रहे मेरे गन्नू जी और माता जी, दोनों लोग हैं। पूजा काम कर लिया, अब सुबह से बज गए हैं 4 लगभग, अब हम खाना खाएंगे। सुबह से इतना बिजी शेड्यूल रहा है संडे के दिन, क्योंकि बहुत दिन बाद आपके पास संडे को थोड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, उसकी वजह से संडे को छुट्टी नहीं मिल पा रहा था। तो बहुत दिन बाद आपकी छुट्टी मिला है, तो सारा पेंडिंग काम हमने ख़त्म कर लिया है और अब नहावा के अब खाना खाएंगे, मतलब नहा लिया। मार्केट भी गए थे, मार्केट से आ गए, जिसमें सबसे स्पेशल चीज़ हम ये खरीद के लाए हॉट केस, बट इसकी आज हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि आज हम बना रहे हैं पिज्ज़ा, होममेड पिज्ज़ा। क्यों भाई, तुम क्या कर रहे हो? घी का चल रहा है मेरा। ये इसका घी दोनों दो अलग अलग डिब्बे में था, तो ये हमने जम गया था, तो ये ट्रांसफर कर रहा है गर्मा करके। बहुत टेक्निकल आदमी है, बहुत टेक्निकल लोग हैं। फिर हम पिज्जा बना के, और अगर बढ़िया बना तो आपके साथ शेयर करेंगे कि कैसा बना है, और नहीं बढ़िया बना तो कोई बात ही नहीं। क्यों भाई, वैसे बढ़िया ही बनेगा। अभी तो इसका पेस्ट तैयार हो रहा है कढ़ाई में, हमारे पास ओवन ओवन तो है नहीं, हम लोग गरीब लोग हैं ना, तो अभी इसका बेस हम तैयार कर रहे हैं, सॉरी बेस नहीं, इसका स्टफिंग तैयार कर रहे हैं। ठीक है, फिर ये तैयार करके हम बताते हैं आपको। तो अभी हमने इस पे गैस पे रख दिया है, इसको इसका बेस रख के उसके ऊपर का इंग्रेडिएंट डाल के और थोड़ा सा एग से उसको फिल अप कर दिया टॉप उसका। अभी देखते हैं कैसा बनता है, फिर बताते हैं। खिला तो सकते हैं, दिखाई सकते हैं, देखिए और मस्त रहिए। और क्या, ये हमारा एक पिज्जा तैयार है। अब अमोल महाराज खा के बताएंगे कैसा। नहीं, टेस्ट करेंगे, काटेंगे इसको पहले हम। अच्छा, पिज्जा की तरह काटेंगे। चाकू तो बड़ा शानदार लग रहा है आपका, कवर रहेंगे चाकू में? ये आज ही लाया है कवर के साथ है। ओहो, ओए ओए, लजीज लुफ्तान भाई। देखो तुम काट वाट के सेट करो, क्योंकि मुझे अभी और भी बनाना है, ऐसा नहीं है केक में, और हम ऐसे ही गरम गरम खा लेंगे। ठीक है, इसके सेकंड वाले में थोड़ा छोटा बेस रखता हूँ, कैमरा दूरी करना भाई, जल्दी टेस्ट करके बताओ, कैमरा बंद करना है मुझे। सब उसने सुनाई दे रहा, ठीक है, तू जो भी धीरे धीरे बोल रहा है यार, बस कर यार, टेस्ट करके बता दो, देख कैसा, इतना मेहनत किया है मैंने, कट नहीं रहा है वो। तू बेइज्जती कर, बस कट नहीं रहा, मतलब सॉफ्ट नहीं बना। खा के देख, तू पकड़, मैं वो करता हूँ, एक कैमरा पकड़ तू, तब तक बात कर, बता कैसा बन। अभी कटिंग हो रही है बढ़िया सी, ये टेस्ट कर तू फिर बता मेरे। खाओ, तुम खाओ पहले। मैं क्या खाऊंगा, ओहो नीचे से जला हुआ आ गया, नीचे से थोड़ी सी जल गई है, पहला था ये, हमें माफ है। बढ़िया बना है, बढ़िया बना है, चटनी चाहिए इसके साथ, लेकिन चटनी है ना, ये है, ये हमारे पास चटनी भी है, ले। बढ़िया
अमोल क्या विचार है? बहुत अच्छा बना है, बिल्कुल मतलब पिज्जा टाइप ही बनाया, ऐसे ऐसे मान के चलो, बिल्कुल बढ़िया। और तू क्या बोल रहा था? उम्मीद नहीं था कि पके। हाँ, ऐसा लग रहा था, उम्मीद नहीं, लेकिन बहुत बढ़िया पका है, खाने में मजा आ रहा है। टैलेंट, और ऊपर से एग भी है, एग से बहुत अच्छा लग रहा है ये। वाकई में अच्छा लग रहा है, नेक्स्ट टाइम और बनाएंगे हम इसे। इसमें हम लोगों ने कोई भी फैटी चीज का इस्तेमाल नहीं किया, ना हमने चीज डाला है, ना हमने चीज डाला है, ना बटर डाला है, दोनों में से कुछ भी नहीं है, केवल और केवल देसी घी है और अंडा है। मजा आएगा। दो पिज्जा बनने के बाद ये आता है कि हमारे पास नॉन स्टिक पैन भी है, दिमाग कमजोर हो गया हमारा। और भाई मजा आया? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा मजा आया। चलिए, ये मेरा फ्लैट पार्टनर है, इसका रूम मेरे रूम के सामने ही है। ये देखिए, ये असली पिज्जा हुआ है। बैक कैमरा थोड़ा सा मेरा वीक है, इससे इसके वजह से मैं बैक कैमरा नहीं कर रहा हूँ। वो दिखाओ पहले उसको। हाँ, ये जबरदस्त लग रहा है ना, देखिए ये एकदम एग्जैक्टली पिज्जा लग रहा है। इसका फोटो लिया हमने, वो फोटो थंबनेल में लगाएंगे अपन दोनों के फोटो के साथ। ये लास्ट पिज्जे में एक और एक्सपेरिमेंट हुआ है, हमने स्टफिंग को किनारे किनारे लगाया और बीच में पूरा एग भर दिया है। और ये मेरा भाई बर्तन भी धोने लगा कि सुबह उठ के कुछ इसको करना है। बहुत आलसी है वैसे, अच्छा लड़का है लेकिन आलसी है ना भाई? आलसी है ना? आलसी नहीं, मैं काम करता हूँ लेकिन टाइम लगता है मुझे। भाई मेरा महाराष्ट्र से। क्या धो रहा है? सब धो देगा। आज संडे था इसलिए हम लोगों ने इतना एंजॉय कर लिया, इतना टाइम दे दिया, वैसे नहीं मिलता हमें इतना समय। अब इसको इसको ढकना भूल गया मैं। ओके गाइस, बाय।